थ्री व्हील्स कैन कंप्लीट 60, 36, 24 रिवॉल्यूशन पर मिनट. देर इज अ रेड स्पॉट. दिस इज नॉट रेड रीड, इट इज रेड स्पॉट ऑन ईच व्हील दैट टचेस द ग्राउंड एट टाइम जीरो. आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल दीज स्पॉट विल सडनली टच द ग्राउंड अगेन. देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वेन वी हैव टू कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम वी विल ऑलवेज कैलकुलेट एलसीएम ऑफ टाइम. यहां पर बोला हुआ है देखो फर्स्ट टायर 60 रिवॉल्यूशन इन वन मिनट, तो इसको मैं सेकेंड मानता हूं 60 सेकेंड हो गया. तो फर्स्ट टायर का 60 रिवॉल्यूशन 60 सेकेंड, तो वन रिवॉल्यूशन का टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड. सेकेंड टायर 36 रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड, तो सेकेंड टायर वन रिवॉल्यूशन कितने टाइम मिलेगा 60/36 और 5/3 सेकेंड. एंड थर्ड टायर 24 रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड, तो वन रिवॉल्यूशन लेने में टाइम कितना लगेगा 5/2. ठीक है, अब हमारे पास एक तो टायर 1 सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, सेकेंड टायर 5/3 एंड थर्ड टायर 5/2. एंड आफ्टर हाउ मच टाइम, जब भी ऐसा कंडीशन हो आपको एलसीएम लेना होगा. 1, 5, 5 का एलसीएम 5 और डिनोमिनेटर में 1, 3, 2 का एचसीएम 1. सो आंसर इज 5 सेकेंड, सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सी इफ वी हैव x प्लस y प्लस z इज इक्वल 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल 3xyz. इन दिस केस देखो ये ब्रैकेट इनका सम जीरो है, उसी तरह से ऊपर में जो न्यूमरेटर में वैल्यू इनका सम भी जीरो, तो ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी 3x² - y² y² - z² and z² - x² एंड इन डिनोमिनेटर इट वुड बी 3x - y y - z and z - x. राइट, देखो 3 कट गया. अब ये x² - y² में से एक x - y बट कटेगा तो क्या बचेगा x + y. फैक्टर करो, टाइम वेस्ट होगा, आप लॉजिकल समझो. देन सेकंड y + z एंड थर्ड z + x. कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? सी ऑप्शन, 3 नहीं होगा, प्रोडक्ट में 3 कट जाएगा तो आंसर होगा सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके क्वेश्चन नंबर 53. इफ ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल ए 90, सो दिस एंगल 90 ए बी सी एंड इट इज गिवन दैट ए एन इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी इज 12, दिस साइड इज 12 एंड ए सी इज 6, देन एरिया ऑफ ए एन सी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए एन सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी. नाउ दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर, दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 90, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल. देखो ए एन सी में हाइपोटन्यूज है ए सी, सो इट इज ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, 6² / 12² 36/144 और दिस इज 1/4. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रतिभा इन्वेस्ट इन अमाउंट ऑफ ₹15,869 नेम्स ऑफ हर 3 डॉटर एबीसी इन सच ए वे दैट दे गेट द सेम इंटरेस्ट आफ्टर 2, 3, 4 इयर्स, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम, देन द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट. ओके नाउ इफ दे गेट सेम इंटरेस्ट, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट इन द रेशियो आर टी 1 is to 1 upon r t 2 is to 1 upon r t 3 because r is same, so cancel this r. 1 upon 2 is to 1 upon 3 is to 1 upon 4. Now multiply by 12 because 2 3 4 LCM is 12, this is 6:4:3. Answer is, now we can say answer is this also. देखो इन्होंने क्या किया है, वही r 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 5 5, तो वही हो जाएगा 5 1/10 1/15 1/20. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट पी ई ड्यू ईस्ट ऑफ द ट्री 60 डिग्री एंड एट अ पॉइंट एफ ड्यू वेस्ट. देखो एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है. एक तो ईस्ट साइड हो गया, ये ईस्ट हो गया जिसमें एंगल है
दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। और अगला वेस्ट है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस डिस्टेंस इज 160। नाउ लेट द हाइट ऑफ द ट्री इज एच, सो 30 के अपोजिट एच, तो 60 के अपोजिट एच रूट थ्री, इधर 60 के अपोजिट एच, तो 30 के अपोजिट एच बाई रूट थ्री, इन दोनों का सम क्या होगा 160। सो एच बाई रूट थ्री प्लस एच बाई रूट थ्री इज इक्वल 160। यहां से एच कॉमन लो और रूट थ्री एल से लो, दिस वुड बी 4 बाई रूट थ्री इज इक्वल 160, और वी कैन से दैट एच इज इक्वल 40 रूट थ्री। आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ कार इज 56 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग अ जर्नी बिटवीन पटना एंड लखनऊ, कार ड्राइवर स्पॉट्स अ बस 120 मीटर अहेड एंड आफ्टर 30 सेकंड द सेम बस इज 80 मीटर बिहाइंड। सो इट मींस इन 30 सेकंड रिलेटिव स्पीड ऑफ बस एंड कार डिस्टेंस 200। देखो पहले वो 120 मीटर बिहाइंड अहेड थी और फिर बाद में 80 मीटर बिहाइंड, 200 बाई 30 दिस इज मीटर पर सेकेंड। नाउ If speed of car is 56 km per hour, then find the speed. Because both are moving in same direction. So let speed of bus be x. So 56 minus x. This is in meter per second. Kilometer per hour. और इधर meter per second, तो इसको मैं क्या करूंगा? 18 by 5 से multiply करके equal कर दूंगा इसको. So this is 24. X would be 56 minus 24 or 32 किलोमीटर पर। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट इज यूजुअल रोइंग रेट राहुल कैन कवर 12 माइल्स डाउनस्ट्रीम इन अ सर्टन रिवर इन 6 आवर्स लेस देन इट टेक्स हिम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। नाउ देखो 6 आवर्स लेस बोला ना, तो अगर 12 माइल्स की बात करते हैं डाउनस्ट्रीम में, इसको ज्यादा टाइम लगेगा x माइनस वाई, और माइनस 12 x प्लस वाई दिस टाइम इज इक्वल 6 आवर्स। बट इफ यू कुड डबल इट्स रोइंग स्पीड फॉर दिस 24 माइल राउंड ट्रिप द डाउन स्ट्रीम 12 माइल वुड देन टेक ओनली 1 आवर लेस। अगर ये रोइंग स्पीड को डबल कर दे 2x माइनस वाई माइनस 12 2x प्लस वाई, देयर डिफरेंस इज 1। नाउ स्पीड ऑफ द करंट इन माइल्स पर आवर। अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये देखो हम क्या करते हैं, पहले तो हम यहां 12 कॉमन लेते हैं ऊपर वाली कंडीशन को, अंदर बचेगा x प्लस वाई, एलसीएम ले रहा हूं मैं, माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल 6। ये 2 हो गया, यहां x x कैंसिल हो गया इधर, सो वी हैव 4 वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। सेकेंड कंडीशन में अगर मैं एलसीएम लेता हूं, नीचे हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर से 12 कॉमन, अंदर बचेगा 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल 1। नाउ 2x कैंसिल हो गया, दिस इज 24y इज इक्वल 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 16y इज इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस माइनस प्लस, तो देखो 4x स्क्वायर कट जाएगा, दिस इज 3y स्क्वायर इज इक्वल 8y, वाई कैंसिल, वाई वुड बी 8/3। आंसर इज डी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको करना ही पड़ेगा, इसमें शॉर्टकट नहीं बन सकता, इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर, दिस इज स्पीड ऑफ करंट। अ बोट गोज 6 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स, 6 जाते वक्त x प्लस 4 रिटर्निंग x माइनस 4 एंड टोटल टाइम 2 आर द स्पीड ऑफ द बोट। अब आप x की वैल्यू ऑप्शन से पुट करो, देखो टोटल 2 आवर्स आ रहा है, इसका मतलब पहले हम 6 लेते हैं, ठीक है, तो 10.6 प्लस 2 ये हो नहीं सकता भाई, ये तो 2 से ज्यादा हो गया ना। अगर मैं लेता हूं 8 तो 1/2 प्लस 3/2, यस दिस इज द आंसर, राइट, बी ऑप्शन। यहां पर इक्वेशन अच्छा कि आप ऑप्शन रख लो। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन इज 3 किलोमीटर पर आर एंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। नाउ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आर एंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर, द टाइम टेकन बाय द मैन टू स्विम 26 किलोमीटर। देखो 26 बाय 5 माइनस 5 प्लस 3 डाउन स्ट्रीम है ना, तो दिस इज 26 बाय 8 और 13 बाय 4
आंसर इज बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द फी चार्ज बाय रेडिक्स फॉर द स्टूडेंट ऑफ बैंक इज 25% लेस देन दैट चार्ज फॉर द स्टूडेंट ऑफ एसएससी. इफ द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम बैंक स्टूडेंट इज 50% मोर देन दैट ऑफ फ्रॉम एसएससी स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एसएससी कोर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट इन बैंक कोर्स. ओके देखो इन दिस केस लेट्स से एसएससी स्टूडेंट इज एस एंड बैंक स्टूडेंट इज बी एंड इट इज गिवन दैट the fee charged by Redix for the student of bank is 25% less than let fee charge for SSC student is 1 rupees and then fee charge for bank is 0.75. so total money collected from SSC student is S and 0.75 for B for bank. now it is given that total amount received from bank student is 50% more than from SSC student. so 0.75 bank student is equal 1.5 SSC student. so this is 2 decimal. So this is 3 bank is equal 6 SSC or bank student would be twice of SSC. Okay, now the number of student in SSC course is what percent of, means we have to calculate SSC upon bank into 100. Now it is 50%. Answer is D option. Okay, next question. Cost price of 2 motorcycles is same. One is sold at profit of 50 and other is sold for ₹4,800 more than that the first. If the net profit is 20%, find the cost price of each motorcycle. Okay. Now, cost price let... अच्छा, इसको options करके देखते हैं. सबसे बड़ा option ये है, सबसे छोटा option ये है. इसके बीच में है 4,800 and 4,250. तो हम मान के चलते हैं 4,800 is the price. And now, if each price is 4,800, then price of two bicycle motorcycle would be 96,000 and it's 20%. Is 20% is 1/5 करेंगे तो 19,200. This is what total profit we need. Now first में 15% profit है तो 48,000 का 15% 4,18 × 15 कर लो 0 7,200 और दूसरी पर 4,800 इनका सम कितना आएगा 12,000 और मुझको चाहिए 9. अच्छा इसमें एक बात और बोलिए कि सेकंड इज 4,800 मोर देन द फर्स्ट तो इसमें 48 प्लस 7,200 और प्रॉफिट होगा तो दिस इज 19,200. सो आवर आंसर इज ए ऑप्शन. ओके कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. बाकी कई तरीके हो सकते हैं. देखो एक तरीका ये हो सकता है लेट सीपी ऑफ ईच बी एक्स. सो फर्स्ट की सेलिंग प्राइस हुई 1.15x, दूसरे की 1.15x प्लस 4,800 इज इक्वल 1.2x into 2 क्योंकि दोनों में हमको 20% प्रॉफिट चाहिए ना. दिस इज 2.4 ये कितना हो जाएगा 2.3x प्लस 4,800. सो 4,800 इज इक्वल 0.1x. सो x वुड बी 48,000. राइट सो दिस कुड बी अ पॉसिबल मेथड. सो सबसे पहले तो आया था वो मेथड बड़ा आसान था ऑप्शन मेथड ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. If two number x and y is divided by any digit d separately, then remainder comes out to be 4,375 and 2,986 respectively. If sum of these numbers divided by the same number d, then the remainder comes out to be 2,361. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो. Now, देखो, मान लेते हैं नंबर n है. पहली कंडीशन d quotient q1 remainder 4,375. Second condition n divisor q, this is x, this is y, dq2 plus remainder is 2,986. अगर मैं इनको add कर लेता हूं, this is dq1 plus q2 और इनका सम कितना हो जाएगा 1,617,361. और जब मैं इसको d से divide करता हूं remainder कितना आ रहा है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं ध्यान देना स्टेप इंपॉर्टेंट है डी क्यू वन प्लस क्यू टू और जो रिमाइंडर यहां माइनस करो 2,361 तो ये 5,000 प्लस 2,361 इसको मैंने डिवाइड किया डी से रिमाइंडर मेरा 2,361 इसका मतलब ये तो डी से डिवाइड है इसका मतलब 5,000 को डी से डिवाइड होना पड़ेगा तो इधर डी कुड बी 5,000 और एनी मल्टीपल ऑफ 5,000 ओनली वैल्यू पॉसिबल इज बी. तो इसका रूल समझा करो आप जो पहली कंडीशन को एड करो और जो उनके एडिशन से
रिमाइंडर है वो घटा दो उसमें से, तो जो सब्ट्रैक्शन करके आएगा दैट वुड बी अवर आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ शॉपकीपर बाइज 10 आइटम्स, ही सेल द फर्स्ट आइटम आफ्टर डबलिंग इट्स प्राइस, ही सेल द सेकंड आइटम आफ्टर डबलिंग द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम, ही सेल द थर्ड आफ्टर डबलिंग द प्राइस ऑफ द सेकंड आइटम. ओके एंड सो ऑन द प्रॉफिट परसेंट इफ यू सेल ऑल द 10 आइटम. देखो यार पहले की मान लेते हैं प्राइस एक रुपया है, सभी की एक रुपया, टोटल सीपी कितनी हो जाएगी 10 रुपीज. अगर मान लेते हर ऑब्जेक्ट एक रुपए का आया, सेलिंग प्राइस देखो पहले की 2 रुपया, सेकंड की इसका डबल 4, फिर 8 एंड सो ऑन. सो टोटल प्राइस वुड बी 2 टू द पार्ट 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. दिस इज 2 इंटू 1023, दिस इज 2046. दिस इज व्हाट टोटल सेलिंग प्राइस ही रिसीव, टोटल सेल ही विल गेट. नाउ प्रॉफिट परसेंट would be 2046 minus 10 upon 10 into 100. So this is 2036. This is percentage profit. Answer is C option. Okay, next question. Okay, we have 1 plus 2 plus 3 up to so on 50, then reverse ho gaya 49, 58, so on. वन तो हम क्या करेंगे, देखो इसको 50 को अलग कर लो, सिंगल टाइम है ना. दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन 49 टू टाइम्स और प्लस 50 अलग से है. नाउ दिस सम इज 49 इंटू 50 बाई 2 इंटू 2 और प्लस 50. देखो 2 कैंसिल हो गया, अगर मैं 50 कॉमन लेता हूं अंदर बचेगा 49 प्लस 1 और दिस इज 50, 50 इंटू 50 वुड बी 2500. आंसर इज बी ऑप्शन. Okay, next question. Now, if sec theta, tan theta is negative, then the terminal line for the angle theta will lie in. Dekho, sec theta and tan theta negative hai. Toh, ya toh ye negative ho, ye positive ho, aur ye positive ho, toh ye negative ho. Ab aisa kis mein possible hai? Dekho, this is possible in third quadrant. Third quadrant mein tan positive hota, sec negative hota. And fourth quadrant mein sec positive hota, tan negative. So, this is A option. Okay, next question. Now, For four number are in the ratio 10, 12, 15, 18. If their HCF is 3, then their LCM will be. Now, agar HCF 3 hai, toh iska matlab number honge 10 into 3, 12 into 3, 15 into 3, 18 into 3. Now, their LCM. Dekho, aap kya karo? Isko 3 into 2 into 5 likho. Isko 3 into 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखो. देखो अब आसान सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की बात है. दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2. अच्छा अब एलसीएम पहले तो देखो तीनों में कॉमन 3 है, फिर अब तीन तीन में देखना पड़ेगा हमको. अच्छा और एक आसान काम करते हैं, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट हाइएस्ट पावर. तो देखो ये हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1. ऐसे बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे आसान रहेगा. दिस इज 2 की पावर 2 एंड 3 स्क्वायर एंड दिस इज 3 स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 1 एंड दिस इज 3 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 1. सो इनका एलसीएम हाइएस्ट पावर 2, 2 स्क्वायर, हाइएस्ट पावर 3, 3 क्यूब एंड 5, 1. So, एक जीरो तो आएगा ऑप्शन में और 4 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता. ठीक है और 3 आएगा 3 टाइम्स, तो ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा. आंसर इज ओनली बी ऑप्शन. ठीक है मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे जल्दी जल्दी आंसर मैच कराया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, इफ BEMN is another square of side 5 and BCE is a triangular right angle at C, then the length of CN. Okay. देखो यार ये 3 है, ये 5 है, ये कितना होगा 4 होगा. CN की लेंथ पूछी हुई है. देखो यार मान लेते हैं ये अल्फा एंगल है, हम एक रूल जानते हैं cos रूल, cos 90 प्लस अल्फा. देखो ये एंगल 90 होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये 90 प्लस अल्फा हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC इंटू BN
राइट. अब देखो कॉस 90 माइनस प्लस अल्फा होगा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल बी सी, बी सी है 3 9, बी एन 525, माइनस सी एन निकालना है हमको अपॉन 2 × 3 × 5. नाउ साइन अल्फा, अब साइन की बात करते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर 4/5 माइनस इज इक्वल 9 + 25 = 34 माइनस सी एन स्क्वायर राइट. और नीचे हो जाएगा 2 × 3 × 5. नाउ 5 5 कैंसिल हो गया, दिस इज 24 −24 इज इक्वल 34 माइनस सी एन स्क्वायर. नाउ सी एन कम दिस साइड, सी एन स्क्वायर इज इक्वल 58, सो सी एन वुड बी √58. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, अ रिवर इज 3 meters डीप एंड 60 meters वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.4 किलोमीटर पर आर, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सी पर मिनट. देखो पर मिनट पूछा हुआ है, 2.4 किलोमीटर पर आर. सो इन 1 hour लेंथ ऑफ वाटर फ्लो, लेंथ ऑफ वाटर फ्लो वुड बी 2.4 किलोमीटर और हमको पूछा हुआ है किसमें, मिनट में. तो 1 hour में इतना, तो 1 hour में कर लो 60 मिनट, 60 मिनट लेंथ इज 2.4 किलोमीटर. अच्छा हमारा आंसर किसमें, मीटर में. तो देखो 1 मिनट में कितना जा रहा है पानी, 400 मीटर/60 और 40 मीटर. सो 1 मिनट में पानी की लेंथ 1 मिनट में 40 मीटर जा रही है. आपका लेंथ है, डेप्थ है 3 मीटर और विड्थ है 60. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम इन 1 मिनट इज इक्वल लेंथ ब्रेथ हाइट, 60 × 3 × 40 = 7200. आंसर इज डी ऑप्शन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था. ये जो स्पीड दी होती है वो हमारी लेंथ बन जाती है उतने टाइम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर अबव द सर्फेस ऑफ लेक इज 30 meters एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज 60 degrees, देन द हाइट ऑफ द क्लाउड. देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे. माना ये क्लाउड है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एच मीटर अबव कितना है, ये 30, ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ क्लाउड अबव द सर्फेस ऑफ लेक. माना कि ये हाइट x है जो हमें निकालनी है, ठीक है, जितना ऊपर उसका क्लाउड है उतना नीचे उसकी शैडो बनेगी, तो ये शैडो यहां बन रही है कुछ, है ना, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री. तो बस इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये लेंथ भी x होगी, जितना ऊपर उस ऑब्जेक्ट है उतना ही ऊपर उसकी इमेज बनेगी. नाउ अगर हम बात करते हैं, ये लेंथ ए मान लेते हैं और ये हो गया x माइनस एच, और इधर ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस एच. देखो यहां से यहां तक x था, ये प्लस एच है, तो x प्लस एच हो गया. अच्छा अब a की वैल्यू देखो, 30 के आगे a है, तो 60 के आगे क्या होगा, a रूट 3 विच इज इक्वल टू x प्लस एच. और इधर देखो ये 60 एंगल है, 60 के आगे a है, तो 30 के आगे कितना होगा, a बाई रूट 3. सो देखो a बाई रूट 3 फ्रॉम अपर डायग्राम, a बाई रूट 3 इज x माइनस एच, एंड फ्रॉम दिस डायग्राम a रूट 3 इज इक्वल x प्लस एच. सो वी पुट वैल्यू ऑफ a x प्लस एच बाई रूट 3, पुट दिस वैल्यू, दिस इज x प्लस एच अपॉन रूट 3, और रूट 3 है तो 3 हो जाएगा, ये इज इक्वल x माइनस एच. नाउ x प्लस एच इज इक्वल 3x − 3h. नाउ 3h कम दिस साइड, 4h इज इक्वल 2x, देन x वुड बी 2h. आंसर इज डी ऑप्शन. देखो अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस की जरूरत थी बस, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, m बाई एन पी बाई क्यू ए बाई बी 1/3 है. देखो यहां पर m स्क्वायर n स्क्वायर 2 2 है, सेम है, p स्क्वायर q स्क्वायर 1 1 है, और a स्क्वायर b स्क्वायर 3 3 है. तो ये m n, यहां पे m n, इधर p q, इधर p q, इधर a बाई बी, इधर a बाई बी, और इसका स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3 का स्क्वायर और 1/9. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके
हाउ मेनी नंबर्स देयर बिटवीन 100 एंड 10 डेट आर कंप्लीटली डिवाइड 13. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. 13 का टेबल पढ़ो, 13 8 जा 104, फर्स्ट नंबर तो ये हो गया. नेक्स्ट नंबर होगा 13 9 जा 117. अच्छा, और आखिरी में बात करते हैं 13 2 जा होता है 260 और 23. 13 × 23 कितना होगा? 299. तो लास्ट टर्म होगी 299. ठीक है, तो 299 − 104 कितना हो गया? 591/13 = n-1. मैंने एक फॉर्मूला लगाया, 13 1 जा 13 5 जा, सो n कितना हो गया? 16 वैल्यूज. आंसर इज बी ऑप्शन. A swimming pool is made of length 24 meter and breadth is 115 meter. While some men dipped in the pond, the height of the water increases by 1 centimeter. If each person displays 0.5 1 meter cube water, then how many person are there in the pond? Let there are n person dipped in the lake or pool. So n person and water displays is 0.1. Now it is equal to length, breadth, and the height increase 1 centimeter, converted into meter. So this is 5 3 ja, 5 2 ja, 4 5 ja, and 4 6 ja. So this is 18 by 5 n into 0.1. So n would be 18 by 0.5 or 36. Answer is B option. Okay, next question. Now, the radius of two cylindrical pots is 15 cm and 10 cm respectively, which is fully filled by water, and height is 35 cm and 15 cm respectively. If the water of the both pots poured in a 15 cm height pot, then it will fill completely. Find the radius of this pot. So, देखो यार, एक आपके पास ऐसा cylindrical pot है, इसकी radius दे रखी है आपको 15 and इसकी radius आपको 10. Depth of water is 35 in it and 15 in it. Now this water is poured into another cylindrical vessel whose height is 15. Now we have to calculate radius of this pot. So in this case we will equate volume pi r square into 15 is equal pi 15 square into 35 plus pi 10 square into 15. Now pi pi cancel, r square. देखो एक इंपॉर्टेंट, 15 से पावर कटेंगे एक एक, तो दिस इज 15 × 35 और प्लस 10 स्क्वायर. अब मैं एक स्टेप कर रहा हूं, ध्यान देना जरा, 5 5 कॉमन 25 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 × 7 और यहां से 5 स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा 4. दिस इज 25 × 25 राइट, आर स्क्वायर. सो आर वुड बी 25. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब इस तरह से कैलकुलेशन टिप्स आपको आनी चाहिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सको. अ सर्टन नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड सेम नंबर ऑफ मैन आर गोइंग समवेयर, हाफ ऑफ द मैन आर सिटिंग ऑन देयर हॉर्सेस बैक एंड रिमेनिंग वॉक्स विद हॉर्सेस. इफ द टोटल नंबर ऑफ फीट वॉक ऑन ग्राउंड आर 80, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस. ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो इसमें एक कंडीशन बोली गई है, कुछ हॉर्सेस है, माना एक्स हॉर्सेस है एंड वाई मैन है, ठीक है. सो हाफ ऑफ द मैन आर सिटिंग ऑन देयर हॉर्सेस बैक. So, अब अगर हाफ ऑफ द मैन सिटिंग ऑन द हॉर्सेस बैक है तो बचे कितने मैन? वाई बाई टू. इफ द टोटल नंबर ऑफ फीट वॉक्स ऑन ग्राउंड आर 80, तो हर हॉर्स के 4 लेग्स होंगे और मैन के 2 लेग्स, तो 2y/2. टोटल लेग्स 4x + y = 80. अब हमको x पूछा हुआ है, ठीक है. अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, सेम नंबर वर्ड यूज हुआ है तो मैं इसको चेंज कर देता हूं. इफ देर आर हॉर्सेस एक्स देन मैन वुड ऑल्सो बी एक्स. सो देखो अब मैन के कितने चल रहे हैं, वो एक्स बाई टू चल रहे हैं और एक्स बाई टू घोड़े में बैठे, तो उसमें तो पैर काउंट नहीं होगा. फीट काउंट जो होंगे एक्स और एक्स बाई टू का काउंट होगा, हॉर्सेस के 4 लेग्स और आदमी के 2x. तो ये 2x/2 करोगे तो 2 कट जाएगा, इट इज इक्वल टू 80. सो यहां से आ गया 5x = 80. X would be 16. So there are 16 horses. Answer is A option. Okay? Next question. Okay. Now, in the following given figure, the diameter of each quadrant is 12 cm. Find. Dekho, thoda diagram garba banaye, ye kuch is tarah se hona chahiye tha.
कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये एक तरह से स्क्वायर हो गया, ये आपका शेडेड रीजन हो गया। तो गिवन द डायमीटर ऑफ ईच क्वाड्रेंट, ये 12 है, तो ये 12 हो गई, ये रेडियस 6 हो गई। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो, एरिया ऑफ स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 6 स्क्वायर। देखो ये एक सेमी सर्किल है और एक ये सेमी सर्किल है ना, इनको ऐड करेंगे तो कंप्लीट सर्किल बनेगा। तो दिस इज, अगर मैं 6 का स्क्वायर कॉमन लेता हूं, 36 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस पाई। आंसर इज डी ऑप्शन। देखो पूरा नहीं करना चाहिए, एक लेवल पे क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके टेन थीटा इज इक्वल माइनस 4/3। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइनस है तो माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, टेन सेकंड या फोर्थ में होगा। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा वुड बी, अगर हम इसमें देखो 4/5 हो गया, और अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस 4/5, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन, इट कुड बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 इंजन कंज्यूम 80 लीटर डीजल व्हेन ईच इज रनिंग 9 आवर्स ए डे, हाउ मच डीजल। नाउ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 इंजन्स कंज्यूम 80 लीटर डीजल व्हेन ईच इज रनिंग 9 आवर्स ए डे, हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 इंजन्स ईच रनिंग 15 आवर्स अ डे। नाउ हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 इंजन ईच रनिंग 15 आवर्स अ डे वेयर 6 इंजन ऑफ द फॉरवर्ड टाइप फॉर्मर टाइप कंज्यूम एज मच एज 5 इंजन ऑफ द लेटर टाइप। देखो इन दिस केस वी हैव 4 क्वांटिटीज, इंजन, लीटर, आवर्स एंड कंजम्पशन। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू कैलकुलेट अ फॉर्मूला फॉर दिस। सी एक रूल होता है, मोर हमेशा डिवाइड होते हैं, एंड मोर और लेस मोर हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, राइट। सो अगर हम कहते हैं मोर इंजन मोर कंजम्पशन, सो दे विल डिवाइड, इंजन इवन अपॉन लीटर वन, मोर इंजन लेस आर्स, ज्यादा इंजन होंगे कब जल्दी काम होगा, तो आर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा कंजम्पशन यहां लिखा है, वेर 6 इंजन ऑफ द फॉर्मर टाइप कंज्यूम एज मच एज 5 इंजन ऑफ लेटर टाइप। अच्छा कंजम्पशन, देखो यहां पर 6 इंजन का जो कंजम्पशन है, अगर मोर इंजन होंगे मोर कंजम्पशन होगा, तो यहां पर कंजम्पशन डिवाइड होगा, तो E2 H2 अपॉन L2 C2 वैल्यू पुट कर दो। इंजन 10 इंजन फर्स्ट केस में, और आवर्स 9, लीटर 80, कंजम्पशन 6 सेकेंड केस में, हाउ मच डीजल विल बी, हाउ मच डीजल, इंजन है 10, 15 आवर्स एंड लीटर्स मान लिया 2 लीटर रिक्वायर्ड होता है, और 5 इंजन, 5 3 जा ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 3 3 जा, सो L2 वुड बी 10 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 3, 160, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके बस ये फॉर्मूला फ्रेम करना चाहिए तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 756, एनएसआई इज 720 द रेट। सो देखो फॉर्मूला होता है, सी अपॉन एस इज इक्वल आर प्लस 200 अपॉन आर, राइट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 756, सिंपल इंटरेस्ट 720 इज इक्वल आर प्लस 200 बाई आर। अच्छा इसको देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप में हम सॉल्व करते हैं, ये 7 1 जा नहीं, पहले इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और 4 9 जा दिस इज 4 1 जा 4 8 जा, राइट। अब इसको 9 से कैंसिल, 9 2 जा 9 1 जा 9 2 जा। सो अब देखो कौन सी वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर मैच करेगा। ओके ये फॉर्मूला कनेक्शन कर लो, यहां 200 होगा यार, दिस इज 200,
तो फॉर्मूला होता है आर प्लस 200 अपॉन 200। सो यहां पर आर के लिए 10 रखने से सेटिस्फाई हो रहा है, 210 बाई 200, 0 0 कैंसिल हो गया, दिस इज 10%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इफ एच बी द हाइट ऑफ ए पिरामिड स्टैंडिंग ऑन अ बेस विच इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, देन फाइंड द स्लांट कोर। ओके देखो यार, स्लांट कोर का मतलब क्या होता है, देखो ये इसके एच है और जब हम बात करते हैं ये ए है, तो ये जो साइड होगी दिस वुड बी सर्कम रेडियस विच इज ए बाई रूट थ्री। अब अगर ये ए बाई रूट थ्री है, ये एच है, तो ये निकालना है हमको स्लांट कोर, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई थ्री, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन द गिवन फिगर बी सी इज इक्वल ए सी एंड ए डी, ई ए डी 81, फाइंड द वैल्यू। ओके देखो अगर ये एक्स है तो दिस वुड ऑल्सो बी एक्स, और क्योंकि एक्स एंगल है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, एक्स बाई टू, दिस इज एक्स बाई टू, क्योंकि इनका समी तो एक्स होगा। नाउ एक्स बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल 81, ये भी तो 81 एक्सटीरियर एंगल है इस पूरे ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल का। सो दिस इज 3x बाई 2 इज इक्वल 81, 3 से 27, x वुड बी 54, आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ट्रेपेजियम ए बी सी डी बी ए दिस एंगल इज 30, सी डी ए 45, बी सी 6 एंड ए बी 12। ओके फाइंड द, ओके देखो बहुत आसान सी बात है, 90 के आगे 12 तो 30 के आगे 6, दिस इज 6, दिस वुड ऑल्सो बी 6। Now, 45 के आगे 6, दिस वुड बी 6, और ये भी 6 होगा। अच्छा ये 30 के आगे 6 है, ये 60 है, 60 के आगे 6 रूट 3, राइट। अब एरिया, तो इसको हम कई तरह से कर सकते हैं, देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 6 प्लस इसका सम कितना होगा 12 प्लस 6 रूट 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया कितना 18 प्लस 6 रूट 3, अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूं तो दिस इज 18 एंड 3 प्लस रूट 3, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सच दैट देयर सम इज, नो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड हैज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सच दैट देयर सम इज 14। देखो इसका तरीका ये होगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल 1, राइट, एंड इट पासिस एंड ए एंड बी आर इंटरसेप्ट, सो ए प्लस बी इज इक्वल 14, एंड वन मोर इक्वेशन बिकॉज इट पासिस थ्रू 3,4 इट विल सेटिस्फाई दिस, 3 बाई ए प्लस 4 बाई बी इज इक्वल 1। नाउ वी हैड टू इक्वेशन, इफ वी सॉल्व वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x ए एंड बी, सो इट इज कंफर्म दैट आंसर वुड बी 2। तो देखो एक आंसर डी दिया हुआ है, देखो यहां से जो बनेगी इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक बनेगी अगर आप एक की वैल्यू पुट कर, अच्छा और 100% श्योर होने का तरीका क्या है, आप ये जो 3,4 पुट करो तो देखो 3, 4 जो 12, 24 ये ट्रू है, और यहां से 3, 4 ये भी 7 ट्रू है, और इसके कोफिशियंट क्या होंगे, अच्छा ये तो ट्रू नहीं है, फिर ना इसको 24 नीचे ले, तो एक्स बाई 6 प्लस वाई बाई 8, तो इनका सम भी 14 हो गया, और इधर x बाई 7 प्लस y बाई ये भी 14 हो गया, तो हमारा आंसर हो गया a एंड b और d इज द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो a b c आर थ्री पॉइंट्स ऑन सर्किल विद सेंटर ओ, द कॉर्ड ba इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट t सच दैट ct बिकम अ टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट c, इफ atc दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड act 50 देन द एंगल bo। ओके देखो अगर ये 50 है और ये 30 तो कितना होगा 80, एक्सटीरियर एंगल सम, दिस इज 50, दिस वुड बी 50, क्यों ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, दिस इज 50 80 130, तो ये कितना हो गया 50, और इसका डबल यहां पर होगा 100, आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है ना, प्रोसेस लेके चलो, बस प्रैक्टिस की बात है। एन अलॉय कंटेन द कॉपर एंड अलॉय कंटेन कॉपर एंड एल्यूमिनियम द रेशियो 7:4, कॉपर और एल्यूमिनियम का रेशियो है 7:4, वाइल मेकिंग वेपन फ्रॉम द अलॉय 12 अलॉय गॉट डिस्ट्रॉय, इफ देर इज 12 केजी ऑफ एल्यूमिनियम इन द वेपन देन द वेट ऑफ द अलॉय रिक्वायर्ड। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 12% डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके इफ देर इज 12 केजी ऑफ एल्यूमिनियम द वेपन, अगर वेपन में 12 केजी एल्यूमिनियम है
ओके सो लेट से वी हैव एक्स केजी ऑफ अलॉय, सो एक्स केजी का 12% डिस्ट्रॉय हो, बचा कितना 88%, और इसका 4 by 11 इज एल्यूमिनियम विच इज इक्वल टू दिस. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम जो अलॉय लाएंगे उसका 12% वेस्ट हो जाएगा, तो बचेगा 88%, उसमें भी 4 by 11 इज एल्यूमिनियम विच इज 12 kg, 4 3 11 8, सो एक्स वुड बी 300 by 8, राइट. सो दिस इज 8 3 24 60 8 7 37.5 kg, आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके 2x + y इज इक्वल 6 एंड x इक्वल टू आर टू लीनियर इक्वेशन, देन ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन मीट एट ए पॉइंट. ओके सिंपल सी बात है, x के लिए 2 पुट कर दो, सो 4 + y इज इक्वल 6, y वुड बी 2, सो कोऑर्डिनेट ऑफ मीटिंग पॉइंट वुड बी x2 एंड y2, आंसर इज बी ऑप्शन. ओके अ टाइगर इज 50 ऑफ इट्स ओन लीप बिहाइंड अ डियर. देखो यहां पर टाइगर है और इधर डियर है, एंड नो द टाइगर टेक 5 leaps per minute टू द डियर्स 4 इफ द टाइगर एंड डियर कवर्स 8 meter and 5 meter per leap रेस्पेक्टिवली. नो देखो यहां पर ये लाइन दी है 8 meter per leap और एक लीप में वो 5 leap चलता है पर मिनट, तो इसकी स्पीड हो गई टाइगर की, स्पीड ऑफ टाइगर 40 meter per minute, एंड स्पीड ऑफ डियर कितनी हो गई 4 leaps per minute और एक लीप की डिस्टेंस 5 meter, तो 20 meter per minute, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 20 meter per minute, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट व्हाट डिस्टेंस विल द टाइगर हैव टू कवर बिफोर इट कैचेस द डियर. नाउ 50 लीप्स के बराबर वो आगे है डियर, तो और इसके एक लीप की डिस्टेंस है 8 meter, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 400 meter. नाउ टाइम टेकन बाई टाइगर टू कैच द डियर इज 400 by 20 और 20 minute, एंड इन दिस 20 minute ही विल कवर, इसकी स्पीड है कितनी 40 meter per minute, सो डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइगर बिफोर इट कैचेज द डियर इज 40 × 20 = 800 meter, आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 87. इन द एडजोइनिंग फिगर ACB इज ए क्वाड्रेंट विद रेडियस ए, अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन आउटसाइड द क्वाड्रेंट टेकिंग AB एज डायमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड. मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया ऑफ शेडेड रीजन. नाउ इफ वी सबट्रैक्ट दिस एरिया फ्रॉम एरिया ऑफ हाफ सर्कल वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर. सो रिक्वायर्ड एरिया इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट. देखो ये ट्राइंगल बना एसीबी का, अगर मैं क्वाड्रेंट से माइनस करूं तो ये मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा रेड वाला. नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब ये ए है, ये ए, दिस वुड बी ए रूट टू बिकॉज ये एंगल 90 degree है ना, तो इसकी रेडियस होगी ए, इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस होगी आर ए रूट टू बाई टू और ए रूट बाई रूट टू, सो इसका एरिया हाफ पाई ए स्क्वायर बाई टू माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 πa² और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हाफ ए स्क्वायर, राइट. दिस इज पाई ए स्क्वायर बाई फोर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, सो पाई ए स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फिगर एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, एडी एंड सी आर टू मीडियन ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी, इफ एसी दिस इज 5 एडी इज 3√5/2 देन फाइंड द लेंथ ऑफ सी. देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, एसी स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर, देखो ये मिड पॉइंट का ये और इसका स्क्वायर बराबर होता है एडी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर, एंड ये 5 है तो ये 2.5 होगा मिड पॉइंट थ्योरम से. सो एडी एसी स्क्वायर 25
ईडी 5/2 और 25/4। एडी इज गिवन एज 3√5/2, तो 9 × 5/4 प्लस ईसी हब वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ 25 प्लस 25/4 माइनस 45/4, नाउ दिस इज 25 माइनस 45, 20/4 5, राइट, माइनस 20 माइनस 5 इज इक्वल ईसी स्क्वायर, सो ईसी वुड बी 2√5, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वी हैव x अपॉन a इज इक्वल y अपॉन b इज इक्वल z अपॉन c, देन वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x y प्लस yz प्लस z। नाउ वी हैव गिवन विद x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इक्वल, देन वी हैव टू कैलकुलेट xy प्लस yz प्लस zx। नाउ कई तरीके हो सकते हैं, सबसे आसान तरीका देखो, x अपॉन a y अपॉन b एंड z अपॉन c, आप ऊपर वाली वैल्यू को इक्वल मान के 2 मान लो और नीचे वाले को 1 मान लो, means x is equal y is equal z is equal 2 and a is equal b is equal c is equal 1. now xy plus yz plus zx, so put karo 2 2 jo 4 4 4 12, so this value is 12. now we'll check which option gives us 12. now a plus b plus c 3 square 9 and in denominator 4 4 12, this is not equal to 12. now x square 4, this is 9 36 minus this is 1 and this is 12 upon 2, this is 24/2 12, this, yes this gives us answer as 12. now check this c also, ax plus by plus cz, acha ye ho gaya 6 aur niche ho gaya 9, ye bhi nahi aa raha hai. acha ek aur important, isme none of these diya hua hai, confusion mat rakhna, iska answer b hi hoga kyunki logical ye, ab aap kuch bhi value assume karo aapka answer same aayega, bas ye dhyan rakhna inke ratio same aane chahiye. ठीक है, आप 1/2 2/4 4/8 कुछ भी मान सकते हो, लॉजिकल चलना पड़ेगा आपको. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन. और आपको लगता है कि यार यहां पे नन ऑफ दीजिए तो आप फिर पूरा कर लो, पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, उससे कोई फायदा नहीं है करने का एग्जाम में, क्योंकि वो अप्रोच के टाइम वेस्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक ट्रेवलिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर यूजेस 30% मोर डीजल टू ट्रेवल एट सर्टेन डिस्टेंस देन इट डज व्हेन इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. इफ द ट्रक कैन ट्रेवल 19.5 किलोमीटर डीजल at 50 km, then how far can the truck travel on 10 liter of diesel at speed of 70 km per hour? Now, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 70 किलोमीटर पर आवर चलने पर उसकी पेट्रोल डीजल कंजम्पशन 30% ज्यादा होता है. इसका मतलब अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर से 19.5 किलोमीटर जा रहा है, सो एक लीटर में जाता है वो एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर 19.5, राइट. सो अगर वो 70 चलेगा तो वो चलेगा, वो यूज करेगा 1.3 लीटर टू कवर सेम डिस्टेंस 19.5. सो 70 की स्पीड से 1 लीटर पेट्रोल में वो जाएगा 19.5 अपॉन 1.3, 15 किलोमीटर. सो 1 लीटर में 70 की स्पीड से वो 15 जा रहा है, उसको उसके बाद पेट्रोल डीजल कितना, 10 लीटर, सो इट विल गो अप टू 150 किलोमीटर, सी ऑप्शन. ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकल था क्वेश्चन ये. ओके डीआई क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स ड्यूरिंग द पीरियड 1996 टू 2001. ओके और प्रॉफिट लॉस जानते हो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इनकम एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100, ये फॉर्मूले पता है. व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न इन द गिवन ईयर्स. ओके देखो इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज. अब देखो यहां पर फर्स्ट ईयर 96 में इसको 250 का इसने एक्सपेंडिचर किया, इसकी इनकम हुई 350, तो 100 का प्रॉफिट हुआ, यहां पे 100 लिख दो, प्लस इधर 300 एंड 150 प्रॉफिट, इधर 50 प्रॉफिट, हर साल का अलग निकालना पड़ेगा आपको. इधर उसको हुआ 200 प्रॉफिट और यहां पर उसको लॉस हो रहा है, 50 का लॉस हो रहा है और यहां पर उसका 100 का प्रॉफिट, और ये कितने साल के लिए, 6. सो देखो ये 50-50 कैंसिल हो गया, 300 400 550 बाई 6 और 275 अपॉन 3, 3 9 जा 3 1 जा 91 होल 2/3, आंसर इज सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके
क्वेश्चन 92, व्हाट अप्रोक्सीमेटली इज द परसेंट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 1999। देखो यार यहां पर इसको 300 और 500, 200 प्रॉफिट आउट ऑफ 300 इनटू 100, दिस इज 66 होल 2/3, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स हैज द मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज डिक्रीज इन द इनकम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। नाउ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट ये होता है, जब हम मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज डिक्रीज बात करते हैं, सो बेस वैल्यू कम हो और डिफरेंस ज्यादा हो। देखो यहां पर वो इंक्रीज हो रहा है, 100 का बेस है 350, इधर सेम रहा, हमको इनकम पूछा हुआ है। यहां पर देखो 50 का इंक्रीज है बेस, तो ये नहीं हो सकता। अभी एक चांसेस है 97 के, अच्छा ये ऑप्शन में है। फिर यहां पर डिक्रीज हो रहा है, 100 का डिक्रीज हो रहा है और बेस है 500, तो ये ज्यादा नहीं हो सकता। फिर यहां पर ये 400 से इंक्रीज हुआ है 150 का, सो चांसेस इसके और इसके ज्यादा है। तो देखते हैं दोनों को, 150 अपॉन 400 इनटू 100, ये तो 2001 का हो गया, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 40%। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसको, दिस इज 100 इंक्रीज आउट ऑफ 350 इनटू 100, ये कैंसिल हो गया। टू हंड्रेड बाई सेवन, तो ये तो 40 से कम है, तो आंसर हमारा हो गया 2001। ओके, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 97 टू 98। अच्छा, एक्सपेंडिचर में परसेंटेज इंक्रीज पूछा हुआ है। एक्सपेंडिचर 97 में 300 था, फिर 400 हो गया, 100 बाई 300 इनटू 100 और 3 कर दो, तो इट इज 33 होल 1/3, बी ऑप्शन। ओके, व्हाट इज द एवरेज इनकम फॉर द गिवन ईयर्स, तो जो भी इनकम सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाई 5 करना होगा, 6, तो दिस इज 350 प्लस 450 प्लस 450 प्लस 500, उसके बाद 400 एंड देन 550 एंड दिस डिवाइडेड बाय 6। नाउ देखो 450 450 900, दिस इज 900 एंड दिस इज आल्सो 900 अपॉन 6, दिस इज 2700 बाय 6, दिस इज 450 इज द आंसर, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन दिस केस वी हैव गिवन विद परसेंटेज पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन एंड दिस इज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इन 1996। नाउ बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड दिस इज कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, इफ द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र ईच इज इंक्रीज बाई 15% इन 1997 and the population of West Bengal is 7 crore in 1996. Now, 7 crore 1996 mein se, what will the population of Maharashtra in 9? Okay, maan lete total population X hai, X ka 40 part, achha, inka sum kitna 18 plus 9, this is 126. So, X ka 40 part out of 126 is 7. So, X would be 7 into 126 upon 40. This is what total population. And now we have to calculate Maharashtra in 97 above poverty line. So first of all, we'll calculate population of Maharashtra in 1996, which is 18 part out of 126. And it is in, this is what population of Maharashtra in 1996. Write it again, 7 into 126 upon 40 into 18 by 126. This is what population of Maharashtra. और इसमें भी 15% increase हुआ है, तो we'll write 1.15. और इसमें देखो महाराष्ट्र में 35% है जो कि poverty line से below है, तो above कितने पे 65.65. इसको multiply करेंगे हमारा answer आएगा। अब देखो एक logical answer निकालने का तरीका, this is 7 से या इसको पहले 20 कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं 9, दिस इज 63, राइट, और डिवाइडेड बाई 20 अप्रोक्सीमेट देखते हैं भी, 20 से 3 टाइम जाएगा और 1.5 इंटू 0.65 ये कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, अगर 1.15 इंटू 0.65 करेंगे तो इट कुड बी 0.7 और 7 इंटू 3 2 पॉइंट समथिंग आंसर, केवल एक इसे अप्रोक्सीमेट है, डी ऑप्शन, क्योंकि बाकी वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, 6 4 4, तो आंसर इज
2.35, ज्यादा कैलकुलेशन से बचना चाहिए आप लोग, अर्जन से लाना चाहिए ना। नाउ इफ द पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका इन 1996 वाज 5.5 करोड़, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन मध्य प्रदेश पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन टू बिहार पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। अच्छा देखो, अगर कर्नाटका की पॉपुलेशन 5.5 करोड़ है, टोटल पॉपुलेशन मान लो एक्स, कर्नाटका का है 11, 11 बाई 126 इज इक्वल 5.5, ठीक है, तो x वुड बी 5.5। अच्छा अब हमें रेशियो पूछा, तो इसकी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो में x तो कैंसिल हो जाएगा ना। सो देखो यार, माना टोटल पॉपुलेशन x थी, नाउ व्हाट विल द रेशियो बिटवीन मध्य प्रदेश पॉपुलेशन अबव प्रॉपर्टी लाइन पॉवर्टी लाइन। तो देखो x मध्य प्रदेश का है 10 बाई 126, और इसमें अबव पॉवर्टी लाइन मध्य प्रदेश में 46 पॉवर्टी लाइन पर है, तो अबव होंगे 0.54 अपॉन। बिहार का देखते हैं, बिहार का है 18 बाई 126 एंड इट इज वी हैव टू कैलकुलेट बिलो पॉवर्टी लाइन एंड बिहार बिलो पॉवर्टी लाइन 50%, तो एक्स कैंसिल हो गया, 126 कैंसिल हो गया, दो डेसिमल कैंसिल कर लो, दिस इज 10 इंटू 54 बाई 18 इंटू 50, और जीरो कैंसिल हो गया, 9 2 9 6 2 3, आंसर इज 3:5, ठीक है। तो ये जो लाइन दी थी 5.5 करोड़ की इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वहां से वो वैल्यू डायरेक्ट कट जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु बिलो पॉवर्टी लाइन इज 2.25 करोड़, व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इन। ओके देखो यार, बिलो पॉवर्टी लाइन माना टोटल एक्स पॉपुलेशन है, एक्स का तमिलनाडु में 10 पार्ट आउट ऑफ 126 एंड आउट ऑफ विच तमिलनाडु 45%, इट इज 2.25 करोड़, सो फ्रॉम दिस एक्स वुड बी 2.25 इंटू 126 अपॉन 0.45 इंटू 120 इंटू 10। देखो यार, ये जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, ये 2 टाइम्स और 263, एक्स 63 हो गया। Now, what will the population of UP 1996? Total population of UP is 63. UP is 19 out of 126. 63 two times and 9.5. Answer is D option. Okay, next question. If the population of all state together in 1996 was 50 crore, what will the population of Maharashtra below poverty line in 1996? Now, 50 mein se Maharashtra ka dekho. Maharashtra ka hai 18 पार्ट, 18 आउट ऑफ 126 एंड बिलो पॉवर्टी लाइन महाराष्ट्र 35%, ठीक है, नौ 9 2 जा 9 1 जा 9 4 जा, और दो डेसिमल हटा लो यहां से, अपॉन 100 कर लो, ये 2 टाइम्स गया, तो दिस इज 2.5, आंसर इज नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका बिलो पॉवर्टी लाइन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल अबव पॉवर्टी लाइन एंड द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इज 9 करोड़, देन द एप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका अबव पॉवर्टी लाइन। तो देखो यार, पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इज 9 करोड़, यहां से मान लेते टोटल पॉपुलेशन एक्स है और वेस्ट बंगाल का 40 पार्ट आउट ऑफ 126 इज इक्वल 9, यहां से एक्स आएगा। अच्छा दूसरी बात बोलिए, कर्नाटका बिलो पॉवर्टी लाइन, कर्नाटका है 18 पार्ट, 18 बाई 126 ऑफ एक्स एंड कर्नाटका बिलो पॉवर्टी लाइन 38 पार्ट 0.38 इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल अबव पॉवर्टी लाइन एंड द पॉपुलेशन। अच्छा इस तरह से करने से पता है क्या होगा, ये जो वैल्यू है इक्वल होकर एक्स कट जाएगा, तो इसकी में जरूरत नहीं है, हम यहां से एक्स निकाल लेंगे इस कंडीशन से, एक्स इज इक्वल 9 इंटू 126 अपॉन 40। नाउ वी हैव टू, देखो ये लाइन केवल कंफ्यूज करने दी है, कर्नाटका बिलो पॉवर्टी लाइन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल अबव पॉवर्टी लाइन। ओके द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका अबव पॉवर्टी लाइन, तो टोटल हो गई एक्स, कर्नाटका इज 11 बाई 126 एंड अबव पॉवर्टी लाइन कर्नाटका 38 बिलो, तो अब हो गया 62, 126 कैंसिल हो गया, दिस इज 11, नाउ
9 इंटू 11 इंटू 0.62 अपॉन 40, राइट। अब आप एक काम करो, यहां से दो डेसिमल हटा लो, ठीक है, 11 9 जा, ये कैंसिल हो गया, तो 62 बाई 40 अप्रोक्सीमेट 1.5, सो आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ओके।